इमरान सैफी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। भारत के अंदर चेन्नई मेट्रो रेल फेस वन एक्सटेंशन का उद्घाटन हमारे भारत के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हम बात करेंगे कि भारत के अंदर ये चेन्नई मेट्रो रेल एक्सटेंशन जो फेस वन तैयार किया गया है, आज हम इसकी विशेष पर बात करेंगे कि इस मेट्रो से चलने से भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने स्टेशनों को ये जोड़ेगा, किस तरह से, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको आज हम इसके ऊपर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने कल 9 किलोमीटर चेन्नई मेट्रो फेस वन एक्सटेंशन का उद्घाटन कर दिया है। हमारे देश को एक फिर भारत को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के अंदर तीसरे नंबर का ये चेन्नई मेट्रो एक्सटेंशन स्टेशन तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने वासर मैनपेंट से विको नगर तक आठ स्टेशनों के माध्यम से ब्लू लाइन का विस्तार करने के लिए 9.05 किलोमीटर चेन्नई मेट्रो चरण का उद्घाटन किया है। मैं आपके डिस्प्ले पर आपको आठ स्टेशनों का आपको मैप दिखा रहा हूं और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हम इसके कुछ टिप्पणी पर भी डाल लेते हैं, जिससे आपको ये चेन्नई मेट्रो स्टेशन आपको समझ में आ जाए। उत्तरी चेन्नई के माध्यम से 23.10 किलोमीटर ब्लू लाइन हवाई अड्डा वासर मैनपेंट के भूमिगत और एलिवेटेड विस्तार को 2015 में तमिलनाडु सरकार ने जून 2016 में भारत के केंद्र संख्या अनुमानित लागत 3770 करोड़ रुपए दिए थे। एफसी इंफ्रास्ट्रक्चर 2.4 किलोमीटर सुरंगों में ये मेट्रो जाएगी। दूसरा है ILFS 2 भूमिगत स्टेशन इस पर बनाए जाएंगे। NCC और सिंप्लेक्स 6.6 किलोमीटर ऊंचा वाइडेट 6 स्टेशन द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, ये मेट्रो स्टेशन की खासियत है, इस भारत में जो उद्घाटन किया गया है चेन्नई मेट्रो स्टेशन एक्सटेंशन का। और आगे हम बढ़ते हैं कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड CMRL जो कंपनी है, बंगाल की खाड़ी की सीमा के साथ खंड 8 नए स्टेशन सर। अब हम वो 8 स्टेशनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो आपकी डिस्प्ले पर भी मैंने आपको शो कर दिया है। थियाग राय कॉलेज भूमिगत, टोडियर पैट न्यू वासर मेंट पूर, ये पूर में टोडिया पेंट टोल गेट मेट्रो, कालादीप पेंट मेट्रो पूर में थंगल, तिरुवेटियर 30 पूर में गोवरी आश्रम, ये वो स्टेशन है जो इस चेन्नई मेट्रो रेल में आने वाली है। शहर की ब्लू लाइन 32.15 किलोमीटर जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विमको नगर से जोड़ती है, 45.1 किलोमीटर से दो लाइन वाला संपूर्ण चेन्नई मेट्रो नेटवर्क 54.15 किलोमीटर का तैयार किया गया है। 48.1 किलोमीटर बेंगलोर मेट्रो प्रणाली को तैयार करने के लिए प्रशासन को भेज दी गई है।
ये है इस चेन्नई मेट्रो रेल फेस वन एक्सटेंशन जो हमारे भारत के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये उन्होंने बताया है कि ये नए भारत की पहल है, जो एक नया भारत हमारा उभर कर आ रहा है। और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप कर कर हम अपने भारत को एक नया मॉडल हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये चेन्नई मेट्रो फेस वन एक्सटेंशन है, ये हमने आपको इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत